इस वीडियो में हम लोग मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को समझेंगे किस तरह से इसके हेल्प से सर्किट को ब्रेक करते हैं इस टाइप के सर्किट ब्रेकर में एज एन आर क्वेंचिंग मीडियम मिनिमम ऑयल का यूज किया जाता है सिंस बल्क ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर जो था वहाँ पे ज़्यादा ऑयल का रिक्वायरमेंट होता था जिसका ओनली टेन परसेंट ऑयल इस सर्किट ब्रेकर में यूज होता है टू क्वेंच द आर्क इसलिए पावर सिस्टम में लो ऑयल सर्किट ब्रेकर को इंट्रोड्यूस किया गया है इस सर्किट ब्रेकर में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए पोर्सलैन इंसुलेटर का यूज करते हैं टू इंसुलेट इट फ्रॉम द अर्थ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होता है इसके इच पार्ट्स को कंस्ट्रक्शन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट कंसिस्ट विथ थ्री मेन चैम्बर सपोर्टिंग चैम्बर सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर एंड टॉप चैम्बर चैम्बर्स को बनाने के लिए पोर्सलेन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड गुड इंसुलेशन इन चैम्बर्स में ऑयल फील्ड रहता है सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर में जो ऑयल फील्ड रहता है उसका यूज आर्क को एक्सटिंग करने के लिए किया जाता है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है एंड सपोर्टिंग चैम्बर में जो ऑयल फील्ड रहता है वो कंडक्टिंग पार्ट्स में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर चैम्बर में दो मेटालिक कॉन्टेक्ट प्लेस्ट रहता है एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहता है एंड एक मूविंग कॉन्टेक्ट रहता है टॉप चैम्बर में ब्रीदर एंड गैस वेंट लगा हुआ रहता है जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो ऑपरेटिंग रोड के साथ कनेक्ट रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन फिक्स्ड कॉन्टेक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहता है एंड करेंट को कैरी करता है एंड जब पावर सिस्टम में किसी टाइप की फॉल्ट ऑकर होती है तो ऑपरेटिंग रोड ऑपरेट होता है एंड मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है तो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का जो मीडियम है वो हाई टेम्परेचर के कारण आयोनाइज हो जाता है एंड आर्क का फॉर्मेशन होता है आर्क एक पाथ का काम का 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 करता है जिससे करेंट फ्लो करती है सो so, सर्किट को जब ब्रेक करना है तो आर्क को कम्प्लीटली रिमूव करना होगा इसलिए ब्रेकिंग चैम्बर में ऑयल फिल्ड रहता है आर्क के सराउंडिंग में जो ऑयल रहता है वो आर्क के इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है ड्यू टू हाई डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल हाई टेम्परेचर के कारण ऑयल भी हीट होता है जिसके कारण भेपराइज होकर वो गैस प्रोड्यूस करती है आर्क के सराउंडिंग में गैस बबल्स का फॉर्मेशन होता है तो ड्यू टू गैस बबल्स एंड हाई डाईलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल आर्क का जो फॉर्मेशन है वो वीक हो जाता है एंड दोनों कॉन्टेक्ट्स के बीच का जो फॉर्म होने वाला आर्क है वो कम्प्लीटली एक्सटिंग हो जाता है मतलब कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है एंड जो रिमेनिंग एग्जॉस्ट गैसेज होती है वो गैस भेंट के थ्रू एग्जिट हो जाती है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में ओनली ब्रेकिंग चैम्बर के ऑयल को रिप्लेस करते हैं सपोर्टिंग चैम्बर में जो फील्ड ऑयल है वो अफेक्टेड नहीं होता है इस तरह से मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के हेल्प से सर्किट को ब्रेक करते हैं एंड कनेक्टेड लोड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं जब आर्किंग प्रोडक्ट कम्प्लीटली एक्सटिंग हो जाता है तो ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है सो इस ऑपरेशन के बाद फ्रेश ऑयल सर्किट ब्रेकर में फिल्ड करते हैं देर आर मैनी एडवांटेजेज ऑफ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने के लिए मिनिमम ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है कंपेयर विथ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल इन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में फायर हजार लेसर होता है कंपेयर टू बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो वेट है वो कम होता है इसके टैंक को डिजाइन करने के लिए लेस अमाउंट में स्टील का रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो साइज़ है वो क्वाइट स्मॉलर होता है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इसमें जो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच का जो गैप है वो स्मॉल होता है जिससे लॉन्ग आर्क का फॉर्मेशन नहीं होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही प्लेस के लिए सूटेबल होता है जबकि बल ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो ओनली आउटडोर प्लेस के लिए ही सूटेबल होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर और मिनरल ऑयल फिल्ड करते हैं उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम लोग लेस क्वांटिटी में ऑयल का यूज़ करते हैं जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है आल्सो देर आर मैनी डिसएडवाटेजेज इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर द डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन गेट इनक्रीजेज इसके ऑपरेशन में क्वाइट डिफिकल्टी ओकर होता है ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन फील्ड ऑयल का जो डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो रैपिडली रिड्यूस होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का अगर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर से हम लोग कंपेयर करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है जबकि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में यूज होने वाला जो ऑयल है वो ओनली टेन परसेंट होता है कंपेयर टू बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में मोर एरिया का रिक्वायरमेंट होता है जबकि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करने के लिए भेरी लेस स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का साइज़ लार्ज होने के कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट होता है जबकि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का साइज़ स्मॉल रहता है जिसके कारण उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि उसका साइज लार्ज है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज़ लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में लेस कार्बोनाइजेशन ऑकर होता है जबकि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में मोर कार्बोनाइजेशन प्रोड्यूस होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इज मोर फ्रिक्वेंट फॉर सुटेबल ऑपरेशन मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इज लेस सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन सो दिज आर द मेन डिफरेंसेज बिटवीन बोथ ऑयल सर्किट ब्रेकर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर मेनली द ऑयल सर्किट ब्रेकर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड लो ऑयल सर्किट ब्रेकर इस वीडियो में हम लोगों ने लो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में देखा था दैट इज मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है उसको दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर इज क्लासीफाइड सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड फोर्स्ट ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर सेल्फ ब्लास्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर इज क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट क्रॉस एक्सप्लोजन पोर्ट एंड सेल्फ कॉम्प्रेस्ड एक्सप्लोजन पोर्ट। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें